हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम लोग MHS के सभी अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आज के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जो टाइम टेबल है वो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। 2 जून से विंटर बैच का, समर बैच का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें। और अभी ये जो कोविड का सिचुएशन है, इसमें एग्ज़ाम कैसे लिया जाए, या फिर स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट वॉट अबाउट सेफ्टी? सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से स्टूडेंट को चाहिए कि एक तो ऑनलाइन एग्ज़ाम लो या फिर हमको प्रमोट करो। तो बहुत सारे मीटिंग्स के बाद फाइनली वैद्यकीय विद्यार्थी परिषद और प्रवीण राडे सर कंटिन्यूसली फॉलोअप कर रहे थे अमित देशमुख सर के साथ, CCH के साथ और बाकी के जितने भी आपके गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है सबके साथ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्वीट्स भी है उनके। तमिलनाडु राज्यातील कॉलेजच्या परीक्षा प्रमोट होतात, मग महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाची परिस्थिती भयंकर असून देखील विद्यापीठ प्रशासन मूळ गिळून गप्प का आहे? महाराष्ट्रामध्ये टास्क फोर्सने देखील सूचना दिल्या आहेत, परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याअगोदर निर्णय लवकर घ्यावा। ठीक आहे, तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टंट चीज़ बोला गया है कि सिचुएशन हाथ से जाने से पहले आप डिसीजन लो, एक तो स्टूडेंट को प्रमोट करो या फिर एग्ज़ाम को पोस्टपोन करो। और इतना सब होने के बाद आज सुबह अजीत पाठक सर ने डिक्लेयर किया है कि एग्ज़ाम के, आपका जो भी एग्ज़ाम है वो अभी नहीं लिया जाएगा, एग्ज़ाम पे स्टे आया है। एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, वो अभी तक कुछ बताया नहीं, बट ये श्योर है कि अभी एग्ज़ाम नहीं होगा। और इसी का जो न्यूज़ कवर किया है वो ABP माजा और Z24 ने भी किया है, जिसका वीडियो का मैं क्लिप आगे डालता हूँ। ठीक है, वीडियो क्लिप मराठी में है, जिसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपका एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, एग्ज़ाम के ऊपर स्टे आया है। राज्यात रुग्ण दिवसेंदिवस वाढत आहेत, त्यातच तिसऱ्या लाटेचा इशारा देण्यात आलाय। तिसऱ्या लाटेची शक्यता बघता आरोग्य विद्यापीठानं खबरदारीचा उपाय म्हणून परीक्षा स्थगित केल्याची माहिती परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अजित पाठक यांनी दिली आहे।